हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का कंटेंट ये है कि दोपहर के बज चुके हैं 2 और आप देख ही रहे हैं मेरे चारों ओर मौसम कैसा हुआ है। चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं और क्या कहते हैं, मैं अभी खाना खा के बैठा था, सोचा कि अपना न्यू ब्लॉग बना लूँ। और अभी हम जाएंगे उधर उस सामने पीछे उधर घूमने जाएंगे गाड़ी लेके। गाड़ी भी कब से खड़ी है। Hello, तो guys. ये है अपना भाई। Hello. ये और मैं जाएंगे उधर सामने पीछे, वहाँ पे हम घूम के आएंगे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने से। और क्या कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं शाम आगे घूमने जहाँ पे मैंने दिखाया था। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलो भाई पर नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है लगभग, मुझे लग रहा है। ये हमारे दीपक भाई गाड़ी चला रहे हैं। अरे काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी थी, मुझे लगा कि आज घूम लेना चाहिए, ठंड का मौसम हो रहा है। कभी पहाड़ में लाइफ जीने का अलग ही मज़ा है दोस्तों। कभी आप लोग पहाड़ में आइए, बहुत मज़ा आता है। कभी चारों ओर से बादल ही बादल लगे। हाँ बारिश का भी मौसम हो रहा है, यहाँ बारिश का जैसा मौसम हो रहा है, ठंड काफ़ी है आज और मज़ा आ रहा है। पहुंच गए जहाँ पे हमें आना था। ये अपनी धन्नु खड़ी है और हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे। ओके ठीक है, तो देख रहे हो दोस्तों काफी झाड़ी वाला रास्ता है यहाँ से नीचे, और अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो देख ले दोस्तों काफी, मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ कैसी हो रही, और रास्ता देख रहे, ये दीवार है, रास्ता नहीं है। यहाँ पे अभी पेड़ लगाए हैं कुछ, ये देख रहे हैं पेड़ लगाए रखे हैं यहाँ पे। तो अभी इनमें पानी वानी नहीं मिला, यहाँ पे थोड़ा पानी की दिक्कत है, इस वजह से अभी हम जा रहे हैं नीचे टॉप में, धार में, पहाड़ी में कहते हैं धार, धार में जा रहे हैं। वहाँ पे हम दिखाएंगे वहाँ से आपको नज़ारा कैसा लगता है। और सामने देखिए दोस्तों, वो गौला नदी है, ये मिलती है हल्द्वानी काठगोदाम गोला पार, वहाँ से निकलती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो क्या कहते हैं, यहाँ से तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम बरसात के टाइम पे जानवर चराने आते हैं और क्या कहते हैं काफ़ी मस्ती करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम आगे नीचे बहुत ही डेंजर रास्ता है भैया, मतलब अभी पेड़ कितना बढ़िया है, पूरा हरा भरा लगता है आसपास, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बरसात के टाइम पे हम यहाँ पे आते हैं, मस्ती करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं जानवर हम चुगाने। अभी तो यहाँ पे घास सूख रखी है तो उतना अच्छा फील नहीं आ रहा, बट देखिए सामने, मतलब यहाँ से कहते ही यार दोस्तों क्या कहूँ, पहाड़ में जिंदगी जीने का अलग ही मजा है अपना। तो देख सकते हैं आप सामने से, यहाँ से देखिए ये मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। तो देख सकते हैं आप कितना, मतलब पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है, अट्रैक्टिव, कितना शानदार, मतलब हरा भरा। तो लेकिन यहाँ पे लोगों ने पेड़ काट दिए हैं अभी, मतलब उतना हरा भरा नहीं है, काफ़ी कम पेड़ बचे हैं। तो हमें, हम सबको पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए, हरा भरा सुंदर रखना चाहिए, साफ स्वच्छ। तो देख सामने का नज़ारा, देख यहाँ से देखिए सामने का नज़ारा, ये रही गौला नदी, बरसात में तो काफ़ी भर जाती है और उसके बाद क्या कहते हैं धीरे धीरे पानी कम हो जाता है लगभग, अभी तो नॉर्मल ही है, मतलब कम है बहुत। और जो ये सामने सड़क देख रहे हैं दोस्तों, ये निकलती है यहाँ से हैड़ा खान विश्व धाम, वहाँ पे 25 दिसंबर को मेला लगता है क्रिश्चियन क्रिसमस पे,
तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो उस दिन वहाँ पे जाऊँगा तो आपसे मिलाऊँ, आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे कैसा होता है। जो ये रोड है ये यहाँ से हल्द्वानी हेड़ाखान से होते हल्द्वानी, इधर से खनसियों वगैरह निकलती है। तो देखिए आप व्यू देखिए हमारे यहाँ का, काफ़ी लग रहा है ना अट्रैक्टिव, मतलब कती मज़ा आ गया, कती रच के, मतलब आ हा हा मजा आना चाहिए बस। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। देखिए गाइस मैंने तोड़ लिया थोड़ा, ये भी मजे लेने आ गया मेरे साथ। मैंने कहा चल, मैंने कहा आगे तक घूम के आते हैं, खाली बैठे थे अभी। साथ ब्लॉग में आते हैं। तो दोस्तों मेरा नया नया ब्लॉग चैनल है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाना, मतलब जो भी गलती होंगी कमेंट बॉक्स में बता देंगे, बता देना कि आपको अच्छा लग रहा है मेरा ब्लॉग, क्या पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या क्या कमियां हैं। तो आप लोगों के प्यार से ही मैं मतलब आगे क्रिएटिव वीडियोस लाते रहूँगा। अभी अभी नया मैंने न्यू ज्वाइन किया है, न्यू ब्लॉगर हूँ मैं, तो आप सपोर्ट करना दोस्तों। बस अभी देख सकते हैं आप, हम दोनों यहाँ पर आए, दो ही लोग आए और कोई मिला नहीं, नहीं तो और को लाते तो काफ़ी मस्ती करते यहाँ पर। यहाँ से मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, गर्मियों के टाइम पे मज़ा आता है। शहर में तो इतनी गर्मी, मतलब क्या कहें, गर्मी, एयर कंडीशन, एसी, पंखे के बिना रहा नहीं जाता। और आप यहाँ पे आ जाओ ना गर्मियों के टाइम पे, ऐसी सुरसुरी सुरसुरी मतलब पूरे शरीर में ठंडक पैदा कर देती, मज़ा आ जाता है यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बैठते। ये भाई भी मज़े ले रहा है, बस मज़े में है दीपक भाई के साथ। अरे अच्छा भैया। गाइस अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे, ऐसे ही मज़े ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ठंड का टाइम है, काफ़ी ठंड हो रही, देख सकते हैं आपने, मैंने मफलर डाल रखा है और भाई को तो पता नहीं ठंड हो रही यानी ये तो क्यों नहीं हो रही यार। और अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई, वापस जा रहे हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे और उसके बाद जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और क्या कहते हैं, रास्ते में एक दुकान है वहाँ पे, अगर कोई होगा तो वहाँ पे बैठेंगे, मिलते हैं। मतलब आपको कैसा लग रहा है, मतलब पहाड़ों का सीन, मतलब कतई मज़ा आता है ना पहाड़ों में। आप क्या कहते हैं, कभी जाते होंगे प्लेन्स वाले, पहाड़ों वालों का तो ठीक है ना, जो प्लेन्स में रहता है पहाड़ों को जाता, मतलब अलग ही अट्रैक्टिव जो ये पहाड़ होते हैं अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं ना दूर से, बहुत प्यारा नज़ारा आता है। भाई तो वहाँ पहुँच गया गाड़ी के पास, हम पहुँच गए रोड में, वहाँ से हाई कर रहा है, बड़ी क्या कहते हैं उसको, घर को जाने की जल्दी हो रही शायद, बोरिंग लग रहा है उसे, मुझे लग रहा है, नहीं तो मतलब यहाँ पे बोरिंग टाइप का है नहीं, पे आराम से 2-3 घंटे आराम से कोई भी बिता सकता है, देख सकते हैं। तो गाइस हम पहुँच गए घर, मेरा जो मेरे साथ में दोस्त था वो भी अपने घर चले गया, वहाँ पे ब्लॉग बन नहीं पाया था पूरा इस वजह से, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय, और देखते रहना दीपक मेहता ब्लॉग्स, लव यू ऑल।